बहुत शानदार। कैसी लगी स्टोरी? एकदम बढ़िया। कैसे लगा अक्षय कुमार? फर्स्ट क्लास, गिल को जिंदा कर दिया उसने। पर कैसी लगी फिल्म? बहुत मस्त लगी, बहुत मस्त। क्या मस्त लगा फिल्म? मतलब पिक्चर एज ऑफ द सीट थी, और पिक्चर का जो मतलब कि जो मूवी थी ना पूरी गजब थी, पूरी एज ऑफ द सीट मूवी है, पूरी थ्रिलर मूवी है, मजा आ गया। अच्छा, मेरे को नहीं लगता मुझे आपसे कुछ पूछना पड़ेगा, इतनी अच्छी फिल्म है। आप खुद ही बता दो फिल्म में क्या अच्छा था। पिक्चर का स्क्रीन प्ले गजब था, पिक्चर की म्यूजिक गजब थी, बस वो तो जो स्टार्टिंग में जो गाना आता है वो फालतू का आ जाता है। वो पहली बार तो अक्षय कुमार को पिक्चर मतलब ऐसे जरूरी नहीं थी कि अक्षय कुमार ही पिक्चर करे, कोई भी कर सकता था। पिक्चर की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, पिक्चर का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था कि कोई भी कर सकता था, बट ये मूवी बहुत अच्छी। हाँ, अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार था, पर इसमें अक्षय कुमार जैसा कुछ मतलब अक्षय कुमार ने मतलब अक्षय कुमार एक्चुअली अक्षय कुमार नहीं लगे, नहीं नहीं लगे इसमें, क्योंकि वो लोग क्योंकि हाँ वही एक बात है। पर उनको मतलब उनकी बॉडी को भी चेंज कराया, थोड़ा उनका पेट दिखाया, थोड़ा उन्होंने कुछ पहना होगा, और पगड़ी तो है ही, तो बहुत अच्छा लगा उनका एक्टिंग। और जो एंड में जो वो आता है, और जो जहाँ पे इंटरवल जहाँ पर होता है इस मूवी का, वहाँ पे बिल्कुल जान अटक जाती है कि बस जल्दी से इंटरवल खत्म हो तो अपन आगे देखें कि क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे खत्म होता है इंटरवल। मूवी के विजुअल मतलब जो VFX का जो VFX करा है उन्होंने पानी का, वो इतना अच्छा नहीं करा है, मतलब वो अलग ही समझ में आ जाता है कि पानी नकली है। देखिए, फिल्म का जो ज़्यादातर जो खदान वाला जो कैरेक्टर रोल लिखा है वो ऑलमोस्ट अंधेरे में ही है ना, तो वो हो सकता है कि इस वजह से चीजें नहीं वहाँ पे खदान में तो बिल्कुल वैसा दिखाया, उजाला ही दिखाया, मतलब अंधेरा नहीं दिखा कहीं पे भी। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो अंदर का जो VFX था पानी वाला, जब वो सुनामी आ जाती है, पानी की जो सुनामी आ जाती है अंदर, वो वीक था बस। बाकी ना बस सब समझ में आ जाता है, सब दिखता भी है, कोई अंधेरा भी नहीं था। 40-45 करोड़ के बजट में बच्चे की जान लग गई है। अच्छा, 40 करोड़ मुझे बजट नहीं पता, बजट नहीं पता मेरे को। अच्छा, फिल्म में ऑडियंस बहुत कम है, तो ऑडियंस को रिकमेंड? ये बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ वाली मतलब मूवी है ये, उनमें से स्पेशल 26 अपने ये बेबी उस टाइप की है ये, कि अभी लोग रिव्यू देखेंगे उसके बाद आएंगे, बट हर कोई आएगा इसको देखने। अच्छा, फिल्म में आपको कॉमेडी कैसी लगी? कॉमेडी कहाँ थी, कॉमेडी नहीं थी। लाइक जैसे बंगाली जो कैरेक्टर्स थे वो नहीं कॉमेडी नहीं थी। टाइमिंग जैसे एंड के क्लाइमेक्स में दिखाते हैं कि उसी को पकड़ के पीट देता है। नहीं, वो कॉमेडी नहीं थी, वो तो एक रिवेंज था, वो तो एक तेरी बहन की आग बोले। नहीं कॉमेडी नहीं थी, वो तो एकदम ऐसे गुस्सा था कि उसको मारो साले को। मतलब कुछ लोग वहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन में भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो उसको ऐसे मतलब जब दिखाया तो सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो वो कॉमेडी नहीं थी, वो तो एक सेटिस्फेक्शन था, रिवेंज था। अच्छा, पूरी मूवी एक तरफ मूवी का क्लाइमेक्स इतना दमदार है कि वही देख लो तो मूवी नहीं पूरी मूवी ही गजब है। पूरी मूवी ही जैसा क्लाइमेक्स है वैसा पूरी मूवी इंटेंस करके रखती है पूरे टाइम। बस मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टार्टिंग में जो गाना दिया है वो परिणीति हो रही है, अक्षय कुमार परिणीति नहीं भी होता तो चलता। हाँ, परिणीति नहीं भी होती, अक्षय कुमार भी नहीं होता तो भी चलता, बट अक्षय कुमार मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई और एक्टर भी होता तो भी चलता, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी गजब है। अच्छा, स्क्रिप्ट एक्टर से ज्यादा अच्छे खेल सकते हैं। और जो रवि किशन कौन है? रवि किशन ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, एक उनमें से एक महीने रवि किशन जो है वो अक्षय कुमार पे हावी होते हुए दिखते हैं किसी किसी सीन में, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ ना तो रवि किशन ही याद आ रहा है, मतलब कि माइनर, क्योंकि अपन माइनर अंदर क्या चल रहा है उस पर अपन ऐसा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अंदर जिंदा है कि नहीं जिंदा है, अंदर क्या दिक्कत हो रही है, तो अपन को रवि किशन ही याद आता है, क्योंकि अंदर सबसे बड़ा रवि किशन ही याद रहता है। मतलब कहते हैं सेंटर ऑफ द मूवी जो है वो रवि किशन है। फिल्म का जो मतलब कहूंगा BGM वगैरह का वो कैसा लगा? BGM ठीक था, मतलब और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, थोड़ा और पेट्रियोटिक हो सकता था। अच्छा, अभी तक तो अपने अच्छाई की बातें करी, फिल्म की बुराई क्या लगी? बुराई बस बता रहा हूँ ना कि वो जो स्टार्टिंग में जो लव वाला जो सॉन्ग दे दिया, डायरेक्ट वहीं से गांव से ही मूवी स्टार्ट करते, क्योंकि इन्होंने वो जो दिखाया ना गांव वाले लोग, उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। अच्छा। उनकी लव स्टोरी दिखाई है, फिर उनको बड़ा होते हुए दिखाया है, वो बहुत अच्छे से दिखाया इन्होंने। इसके अलावा डायलॉग्स वगैरह कैसे थे? डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, ऑन द पॉइंट थे, कोई फालतू डायलॉग्स नहीं थे, सब अच्छा था। अच्छा, आप होते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर की जगह, आप क्या करते हैं? आप भी इसी डेडिकेशन के साथ उनकी मदद करते हैं? हां, विधान कर दूंगा बोरिंग दिन का समाधान। ओके, थैंक यू। आउट ऑफ 10 10 में से 10 थैंक यू। पहली बार 10 में से 10 लगा। सबका काम बढ़िया था। अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, मुकुल मिश्रा कैसे लगे? सब अच्छे लगे। सबसे अच्छा कौन लगा? अक्षय कुमार। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी, मजा आ गया। क्या अच्छा लगा? पूरी थ्रिलर टाइप सी थी, क्या होगा अब आगे कुछ पता नहीं था, मजा आ गया। अक्षय कुमार का काम बहुत सही था। अच्छा, फिल्म में जो कुछ एक नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उनका काम कैसा लगा?
उनका ही बढ़िया था, मारा उनको तो लपक के। कॉमेडी वगैरह किसी कॉमेडी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, पर मेन तो मजा आ गया। 4.5 ऑडियंस का मैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पता नहीं, मैं देखा बहुत कम लोग थे, पर इतने कम लोगों को लाइक मूवी है नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छी मूवी है, मतलब फिल्म को एक बार देखना चाहिए। फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या लगा है? वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स था, और जो उन्हें शॉर्ट्स दिए थे सिनेमेटिक शॉर्ट माइंड के, वो बहुत मस्त है, मजा आ गया। अच्छा, अक्षय कुमार अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं, मतलब जस्टिस कर रहे थे, बिल्कुल केसरी टाइप लग रहे थे, मतलब वो फिल्म की वाइब आती है, फिल्म की वाइब आती है। फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह कैसे थे? सॉन्ग्स भी अच्छे थे, अच्छे थे। परिणीति चोपड़ा का रोल कितना था? वो तो काम का नहीं था, थोड़ा बहुत थी, नहीं थी एक ऐसा। हाँ, एक ही बार। बाकी कैरेक्टर्स कैसे लगे? मतलब अक्षय कुमार तो थे ही अच्छे, बाकी मुकुंद मिश्रा थे, हाँ, और दूसरी स्टार कास्ट रवि किशन भी थे फिल्म में, बहुत बढ़िया थे, मजा ही आ गया। और जो माइनर्स ने भी रोल करा वो भी बहुत मस्त था, मजा आ गया। फिल्म की कॉमिक टाइमिंग कैसी लगी? फिल्म में कॉमेडी बढ़िया थी, कॉमेडी कम थी, बंगाली एक्सेंट में थी, हाँ थोड़ी बहुत, पर ठीक बढ़िया। फिल्म के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या सीखा अपन ने फिल्म से? सीखा तो बहुत कुछ है, बस हाँ एक ही बात बोलना चाहूँगा, बढ़िया है, देखनी चाहिए सबको। राजनीति ज्वाइन कर लो तो परिणीति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। सर आपने क्या सीखा फिल्म से? लोगों की मदद करते रहने चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना। पहले खदान में फेंक दो फिर मदद करो। नहीं, आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? 10 ऑफ 10। सर आप कितने देंगे 10 में से स्टार? 10 में से मैं 9.5 दूंगा। 10 में से 10 क्यों नहीं दोगे? वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ढीली हो गई थी, हाँ। शुरू में ही फेंक देना था, शुरू में ही उनको बढ़िया तगड़े से बताना था, पर 9.5। थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों आज रिव्यू करने वाला हूं मैं फिल्म मिशन रानीगंज का। जी हां दोस्तों, अभी जस्ट थिएटर के बाहर ही खड़ा हूं मैं, और आप लोग देख सकते हो कि क्राउड ज़्यादा नहीं था मूवी में, बहुत कम था क्राउड। बात करूं मिशन रानीगंज की, तो दोस्तों मैंने भी ये फिल्म देखी जिसकी स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, मुकुंद मिश्रा, रवि किशन, बहुत सारी लगभग 13-14 कैरेक्टर जो हैं वो लीड एक्टर में है। और इस फिल्म को मतलब यूँ कहूँगा, इस फिल्म में जो मिशन दिखाया ना रानीगंज के अंदर, जो खदान के अंदर का जो मिशन दिखाया, वो अनबिलीवेबल दिखा, मतलब आउटस्टैंडिंग। क्लाइमेक्स तक आपको बहुत मज़ा आएगा। आई डोंट नो कि मूवी में लोग इतने कम क्यों है, मे बी कि इस फिल्म का प्रमोशन बहुत कम हुआ है। इस फिल्म का प्रमोशन मतलब अक्षय कुमार की बाकी फिल्मों की बात करूँ ना, सबसे कम प्रमोशन इस फिल्म का है वाकई। लेकिन दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत अच्छी है, अक्षय कुमार अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो डिसअपॉइंट करती है, लेकिन उसके बाद में उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी बहुत यूनिक और बहुत बेहतर, बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी कहानी है जिसका क्लाइमेक्स आप लोग स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट कर ले तो, बट हाँ वो उसको जो यूँ कहूँगा कि जो उसका प्रेजेंटेशन है ना, वो इस फिल्म की जान है। फिल्म में अक्षय कुमार का जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है, अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अक्षय कुमार से, अक्षय कुमार की टक्कर में अगर किसी ने काम कराना, तो बाकी जो आपको आइट साइड में कैरेक्टर्स दिखेंगे ना, उनका रोल बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा रोल है, जैसा उनका केसरी फिल्म में बहुत बड़ा रोल नहीं था, बहुत छोटा सा रोल था। तो ये फिल्म आपको वाइब तो नहीं देगी केसरी वगैरह की, बट हाँ फिर भी अगर आप अक्षय कुमार के फैन हो ना, तो ये मूवी आपको ज़बरदस्त लगने वाली है। बात करूँ फिल्म के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग मुझे मतलब इतने ज़्यादा है नहीं सॉन्ग, बट हाँ बीजीएम वगैरह में जो म्यूज़िक वगैरह बजता है ना, वो ठीक ठाक लगता है। और जो स्लो मोशन में जो एक दो गाने वगैरह चलते रहते, वो अच्छे लगते, ठीक ठाक लगते सुनने में, मतलब वो हमेशा आप मतलब बार बार नहीं सुनोगे, बट हाँ ठीक ठाक लगते सुनने में। फिल्म का प्लस पॉइंट ये है कि फिल्म का जो यूँ कहूँगा प्रेजेंटेशन वो बहुत तगड़ा है। कैरेक्टर्स को जो है वो डिटेल में काम दिया गया, और कैरेक्टर्स पर ना बिल्कुल फोकस करके काम किया गया। किसी भी कैरेक्टर को छोटा बड़ा समझ के ऐसा नहीं कि बड़ा कैरेक्टर है तो उसको ज़्यादा टाइम दिया, हर एक कैरेक्टर को बराबर टाइम दिया गया है। और फिल्म क्लाइमेक्स तक आते आते ना और अच्छी लगने लगती है, और मज़ा आता है। फिल्म में कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है सभी कलाकारों की, स्पेशली कहूँगा कि जो कुमुद सर हैं, इसके अलावा जो उनके साथ जो उनके को एक्टर्स होते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अक्षय कुमार को इस फिल्म में बहुत सीरियस दिखाया, मतलब बहुत ज़्यादा वाला सीरियस दिखाया, क्योंकि वो एक मिशन पर होते हैं, और जो मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उनको गिराने की सोचते हैं, बट फिर भी वो लोगों की जान बचाते हैं, लगभग 60 लोगों की जान बचाते हैं वो, जो कि फिल्म में देखने में बहुत मज़ा आता है। फिल्म की कहानी अच्छी है, एक बार देख सकते हैं। फिल्म का माइनस पॉइंट मुझे लगा कि OMG 2 जैसी फिल्म में जहाँ अक्षय कुमार ने इतनी मेहनत करी थी, इतना सब कुछ, इतना मतलब कैरेक्टर में घुस गए थे, इस फिल्म में चीज़ें नकली लगती हैं, उनकी दाढ़ी लगती है, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने गेटअप लिया सिख का, वो रियल सिख नहीं लगते हैं। अगर वो बियर्ड वगैरह पर काम करते, मतलब प्रॉपर उस गेटअप में आने के लिए अपने आप को तैयार करते, तो मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता। फिल्म में ऑलमोस्ट सभी का काम अच्छा है, बट अक्षय कुमार सर के लिए कहूँगा कि थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे आप। इसके अलावा फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। मेरे साइड से दोस्तों मैं फिल्म को दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक वीक पॉइंट और लगा मुझे, इसके पहले मैं जिस थिएटर में मूवी देखने गया था, मतलब उस थिएटर में ना मूवी के शोज ही कैंसिल कर दिए। इधर भी जहाँ पर मैं मूवी आया हूँ देखने, AU सिनेमा राजेंद्र नगर में, यहाँ पर 13-14 लोग ही हैं मूवी देखने जो आए हैं, मुझे मिलाकर 15-16 लोग ही हुए थे, 15 लोग ही थे। तो मैंने जहाँ बात करी तो मुझे 13-14 लोग ही नजर आए, इंटरवल में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। तो अभी मूवी थोड़ी देर में छूटने वाली है, तो पब्लिक का भी रिव्यू दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आज मेरा भी रिव्यू दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं इसके बाद 800 मूवी देखने वाला हूँ, आज 2-3 फिल्में देखने का प्लान है, तो बने रहिएगा इसी।